हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीलम अपने बेटों नमन, अमन और कमल की शादी एक ही मंडप में करके अपनी तीनों बहुओं को एक साथ घर लाती है, जहां वो उनका स्वागत कर रही होती है। तो पड़ोस की सविता उसकी तीनों बहुओं के लंबे लंबे घूंघट को देखकर बोलती है, अरे नीलम, ये आज के जमाने में बहुओं से इतना लंबा घूंघट कौन करवाता है भला। देख तो कहीं एक आदि ना देखने की वजह से तेरे कदमों में ना आ गिरे। तू तो चुप ही रह, तेरी बहू आई थी तो तूने घूंघट छोड़ कंबल ओढ़ाया था उसे, और मेरी बहू के लंबे घूंघट से तुझे दिक्कत हो रही है। और ये सब तू क्यों कह रही है ये भी मैं अच्छे से जानती हूँ। क्या मतलब है तेरा? यही कि तू मेरी तीनों बहुओं का मुंह देख ले, ताकि तेरे पास मुंह दिखाई की रस्म में ना आने का बहाना हो कि मैंने तो पहले ही नीलम की बहुओं के चेहरे देख लिए। ओहो माँ, क्या तुम भी दरवाजे पर खड़ी होकर सविता आंटी से बहस करने लग गई? तुम्हारी बहुओं की मुंह दिखाई से पहले कोई नहीं देख रहा उनका चेहरा। अब प्लीज हमें अंदर ले लो ताकि हम सब आराम कर सकें। हाँ हाँ बेटा, माफ करना, मैं भी ना। आओ बहुओ, मेरी तीन प्यारी दुलारी चांद सी न्यारी बहुओ, अंदर आओ। नीलम आरती उतार कर नमन की पत्नी आशा, अमन की पत्नी त्रिशा और कमल की पत्नी संध्या का स्वागत करती है और अपने बेटों संग तीनों बहुओं को हॉल में बिठाकर बोलती है, बहुओं मानती हूँ तुमको आराम करना है, थकी हुई हो तुम, लेकिन एक रस्म है जो अभी होनी है, वो है अंगूठी ढूंढने की रस्म। तो अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं करवा लूँ। हाँ हाँ माँ जी, जरूर। नीलम कुछ ही देर में तीन बड़ी सी परात में दूध और पानी का मिश्रण फूलों से सजा कर लाती है और वो परात तीनों बेटों और बहुओं के आगे रखती है, और घूंघट में छुपी उसकी बहुएं ये देखकर बहुत ही खुशी से अपनी सास को कहती है, माँ जी, ये वो दूध में से अंगूठी ढूंढने वाली रस्म है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी माँ जी। हाँ हाँ मेरी बहुओं, चलो अब खेलना शुरू करते हैं, ठीक है? नीलम तीनों परातों में एक एक अंगूठी डालती है और जैसे ही उसकी बहुएं अपने अपने पतियों के साथ अंगूठी ढूंढने की रस्म करती हैं, तो इस बीच संध्या अपने घूंघट को अपने रस्ते का रोड़ा समझकर उठाने ही वाली होती है कि तभी नीलम चिल्लाते हुए कहती है, संध्या बहू, ये क्या कर रही हो? भूल कर भी इस घूंघट को मुंह दिखाई से पहले मत हटाना। अरे इस घर में अभी कितने मेहमान हैं और पड़ोस के लोग भी हैं। अगर किसी ने मुंह दिखाई से पहले मेरी तीनों बहुओं का मुंह देख लिया तो क्या फायदा होगा उस रस्म का? सॉरी माँ जी, वो मुझे अंगूठी ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए हटा रही थी, लेकिन आप कहते हैं तो मैं इस घूंघट को मुंह दिखाई से पहले नहीं हटाऊंगी। हम भी नहीं उठाएंगे माँ जी अपना घूंघट। अपनी तीनों बहुओं को अपनी बात मानता देखकर नीलम बहुत खुश थी, लेकिन धमाल तो आगे होने वाला था। कुछ देर में रस्म पूरी होने पर जब तीनों बहुएं अपने अपने पतियों संग कमरे में जाती हैं, तो पहली बहू आशा के कमरे में जब नमन उसके करीब आकर उसका घूंघट उठाने को होता है, तो वो उसको हल्का सा धक्का देकर खुद से दूर करके बोलती है, ये क्या जी, आपने बाहर सुना नहीं कि माँ जी ने कहा कि ये घूंघट मुंह दिखाई से पहले नहीं हटेगा, तो इसको उठाने की कोशिश भी मत करिए। अरे ये क्या बात हुई, मुंह दिखाई की रस्म से पहले तो सुहागरात की रस्म होती है, वो बिना घूंघट उठाए कैसे मनाएंगे हम? तो उसके लिए भी मुंह दिखाई की रस्म का इंतजार करो, और अब मुझे परेशान मत करना, सोने दो। आशा तो नमन को अपनी मुंह दिखाई से पहले अपना चेहरा दिखाने से मना कर देती है, तो वहीं त्रिशा तो लंबा सा घूंघट के अपने बिस्तर पर बैठी होती है, तभी अमन आकर बोलता है, अरे वाह, मेरी बीवी तो कुछ ज्यादा ही फिल्मी है, देखो तो कैसे पोज लेकर बैठी है। अमन इतना बोलकर त्रिशा के करीब जाकर उसका घूंघट उठाने लगता है, तो त्रिशा उस पर चिल्लाती हुई कहती है, ये क्या कर रहे हो आप, शर्म नहीं आती अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए? उल्लंघन? कैसा उल्लंघन? आपको नहीं पता, माँ जी ने अभी थोड़ी देर पहले हम सारी बहुओं से कहा था कि मुंह दिखाई से पहले घूंघट नहीं हटाना, तो आप ये पाप क्यों कर रहे हैं, हमें पाप के भागीदार क्यों बना रहे हैं? माँ जी के आदेश की अवहेलना करना यानी कि पाप का भागीदार बनना है। पर जान, आज हमारी शादी की पहली रात है और ये रात जिंदगी में एक बारी आती है। मुंह दिखाई की रस्म भी शादी के बाद एक बारी होती है ना, कोई बार बार थोड़ी ना हमारा मुंह देखने के लिए आएगा, इसलिए ये घूंघट उसी दिन हटेगा, तब तक आप अपने अरमानों को ऐसे ही लेकर सो जाओ। बेचारा अमन तो गुस्से में चिढ़ते हुए कमरे से बाहर चला जाता है,
और अब बारी आती है कमल की, जो अपने कमरे में जैसे ही जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी संध्या खर्राटे मार रही है, वो भी घूंघट में। उसको सोते देखकर वो उसके पास जाकर बोलता है, देखो तो मेरी प्यारी बीबी को थकान के मारे आज शादी की पहली रात ही सो गई। कोई नहीं, कम से कम इसका घूंघट उठाकर इसका चेहरा तो देख लूं। कमल जैसे ही संध्या का घूंघट उठाने जाता है तो देखता है कि उसके घूंघट के नीचे एक और घूंघट है और उस पर एक लेटर चिपका है, जिसे पढ़ते हुए वो बोलता है, माँ जी ने कहा था ये मुँह सिर्फ मुँह दिखाई के दिन दिखेगा, इसलिए तब तक के लिए शुभ रात्रि। और हाँ, घूंघट हटाने की कोशिश मत करना, मैंने सेफ्टी पिन से घूंघट को अपने ब्लाउज से जोड़ा हुआ है। बेचारा कमल भी अपनी माँ के मुंह दिखाई के आदेश के चलते अपनी ही बीवी का मुंह तक नहीं देख पाता। ऐसे ही वो रात तो बड़े कष्टों के साथ गुजरती है। अगली सुबह उठकर तीनों बहुएं नहा धोकर तैयार होकर लंबा सा घूंघट कर अपनी सास के सामने आती है, जिस पर नीलम बोलती है, अरे वाह, मेरी बहुए मेरी कितनी बात मानती है। मैंने सुना अपने बेटों से कि मेरे आदेश के चलते तुमने अपनी शक्ल मेरे बेटों तक को नहीं दिखाई। सच में ऐसी बहुएं भगवान सबको दे, लेकिन आज ही मैं तुम सबकी मुंह दिखाई करवाऊंगी। नीलम इतना बोलकर अपने घर में अपनी बहुओं की मुंह दिखाई की तैयारी करवाती है, साथ ही पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाती है। और शाम होते होते सभी मेहमानों और पड़ोस की औरतें भी घर में आती हैं। तीनों बहुएं सुंदर से लहंगे में घूंघट करके सबके सामने आती है। सभी औरतें उनका चेहरा देखने के लिए बड़ी उतावली थी। आखिर उनको जज जो करना था कि कौन सी वाली ज्यादा अच्छी है। तीनों जैसे ही आकर सोफे पर बैठती है, तभी सविता बोलती है, अरे वाह, तीनों के लहंगे तो बहुत सुंदर है। अब नीलम हट जा साइड, इस मुंह दिखाई के रस्म की शुरुआत तो मैं ही करूंगी। हे भगवान, सविता ठीक है, आजा तू ही कर ले, ना जाने कितनी बेचैनी है तुझे। सविता उठकर नीलम की बहुओं की तरफ बढ़ती है। उसी बीच नीलम के फोन पर उसके खानदानी पंडित का कॉल आता है और वो साइड में जाकर फोन उठाकर बोलती है, नमस्कार पंडित जी, बताइए कैसे याद किया। पंडित जी से बात करने के बाद नीलम के हाव भाव बदल जाते हैं। वो जल्दी से पीछे मुड़कर अपनी बहुओं की तरफ बढ़ती सविता को रोकने भागती है और एकदम बहुओं के पास आ चुकी सविता के ऊपर गिरते हुए उसे बोलती है, रुक जा सविता, मेरी बहुओं की मुंह दिखाई नहीं होगी। नीचे गिरी सविता और नीलम को जल्दी से नमन और अमन उठाते हैं और फिर नमन बोलता है, माँ क्या हुआ, आखिर आपने इस मुंह दिखाई के फंक्शन पर मुंह दिखाने से मना क्यों किया सविता आंटी को। हाँ हाँ बोल, मेरे घुटने और छिल दिए गिराकर। बेटा, पंडित जी का फोन आया था, उन्होंने कहा बहुओं की राशि में थोड़ा दोष है, इसलिए एक महीने से पहले अगर उनकी मुंह दिखाई हुई तो उनका चेहरा देखने वाला हर व्यक्ति मर जाएगा। क्या, नहीं नहीं। बेचारे तीनों भाई अपनी ही पत्नियों की मुंह दिखाई के लिए अब उनको एक महीना और इंतजार करना होगा। और नीलम जो अपनी तीन बहुओं की मुंह दिखाई के लिए इतनी उत्साहित थी, अब वो चाहकर भी एक महीने से पहले अपनी बहुओं की मुंह दिखाई नहीं करवा पाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये तीन बहुओं की अनोखी कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रमा के दो बेटे विनोद और तुषार थे, जिसमें से उसके बड़े बेटे विनोद की शादी को 5 साल हो गए थे, पर अब तक भी निर्मला यानी कि रमा की बड़ी बहू की गोद नहीं भर पाई थी। पर फिर भी उनका परिवार खुशी खुशी एक साथ रहा करता था। पर शादी के कुछ ही दिनों के बाद रमा की बेटी आशा अपने पति का घर छोड़कर अपनी माँ के घर आ जाती है और अपने भाइयों के साथ रहने लगती है। आशा को उसकी भाभी निर्मला बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, क्योंकि निर्मला उसके भाई जितनी पढ़ी लिखी नहीं थी और एक छोटे से घर से आई थी। आशा को लगता था कि वो उसके भाई के लायक नहीं है, ऊपर से वो उसके भाई को कभी भी कोई सुख नहीं दे सकती। ऐसे ही एक दिन जब निर्मला सभी को खाना दे रही होती है तो आशा उससे बोलती है, भाभी खाने के अलावा भी कुछ काम कर लिया करो, सारा दिन बस यही सब करती रहती हो। अरे घर की और जिम्मेदारियां हैं, उन्हें भी कभी निभा लिया करो। आशा, वो तेरी भाभी है, मतलब बड़ी भाभी, और तू अपनी भाभी से ऐसे बातें करती है। कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरी वजह से आशा दीदी को मत डांटिए। अरे
नहीं अब बस रहने ही दीजिए, ये झूठा प्यार का दिखावा ना कहीं और करना भाभी। अरे माँ, अगर आप चाहती है ना कि मैं इस घर से चली जाऊँ तो साफ साफ बोल दीजिए, ये घुमा घुमा कर बातें मत मारिए मेरे मुँह पर। इतना बोलकर आशा रोते हुए वहाँ से चली जाती है और कुछ ही दिनों के बाद सभी तुषार की शादी के बारे में बातें करने लगते हैं, जिसके कुछ ही समय के बाद परिवार वाले मिलकर हिमांशी नाम की एक लड़की से तुषार का रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ ही महीनों में हिमांशी और तुषार की भी शादी हो जाती है। उन दोनों की शादी के बाद हिमांशी घर की सारी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभाती है और एक अच्छी देवरानी और बहू की तरह सभी की सेवा करती है। निर्मला और हिमांशी ज्यादातर एक साथ ही रहा करती थी, क्योंकि हिमांशी अमीर और बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसीलिए आशा अपनी छोटी भाभी की चापलूसी में लगी रहती थी और हिमांशी को निर्मला के खिलाफ भड़काने लगी थी, जिसके कारण धीरे धीरे हिमांशी भी आशा की बातों में आने लगती है और हिमांशी अपनी जेठानी से दूरियां बनाने लग जाती है। ऐसे ही एक दिन रमा आशा से बोलती है, आशा ये कुछ पैसे हैं, अपनी बड़ी भाभी को दे दियो, और ये सोने के चैन भी, बोलना कि मैंने दिया है उसे, और हाँ मैं तेरे बड़े मामा जी के घर जा रही हूँ किसी काम से, दे देगी ना ये सब? अरे घर में कोई निराशा तो नहीं फैलाएगी ना? अरे माँ, अगर आपको मुझ पर विश्वास है ही नहीं तो ये काम मुझे सौंप क्यों रही है, रहने ही दीजिए ना। अरे चोर के हाथों में तिजोरी दूंगी, तभी तो चोरी होने से रोकूंगी। इतना बोलकर रमा वहाँ से चली जाती है और आशा के दिमाग में एक प्लान आता है। वो अपनी बड़ी भाभी को सारे पैसे और जेवर देकर हिमांशी के पास चली जाती है और तभी उससे बोलती है, भाभी मुझे तो लगता है कि आपके इस घर में ढेले भर की इज्जत नहीं है। अरे सारा राजपाट, गहने, जेवर, सोना चांदी तो उस निर्मला को दे रखा है मानी। मतलब दीदी आप कहना क्या चाहती हैं? बस यही कि आप इस घर में नई आई हैं, हमारी नई बहू है, तो वो सोने की चैन जो उस निर्मला को मिली है वो आपको मिलनी चाहिए थी, पर लगता है कि इस घर में आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इतना सब कहकर आशा तो वहाँ से चली जाती है और उसकी बातें हिमांशी के दिमाग में घर कर जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और जब रमा घर आ जाती है तो रोज हिमांशी आशा की बातें सुनकर घर में कलेश करना शुरू कर देती है। कलेश इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वहीं दोनों भाइयों में भी लड़ाई होनी शुरू होती है और घर का बंटवारा करना पड़ता है, जिसमें दीवार की एक तरफ के हिस्से में निर्मला, रमा और उसका पति विनोद रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तुषार, हिमांशी और आशा। ये सब देखकर विनोद खुद को संभाल नहीं पाता और अपने घर का बंटवारा देखकर तुषार और उसकी बीवी से कहता है, ये बंटवारा घर का नहीं, हम भाई का हुआ है, हमारे प्यार का हुआ है, मेरे विश्वास का हुआ है। जिस भाई को मैंने अपने बेटे जैसा प्यार किया, उसने ये आज इस घर में दीवार खड़ी करवा दी। मैंने भी आपको बड़ा भाई नहीं, अपने बाप समान माना था और भाभी को माँ, पर भाभी और माँ ने क्या किया, माँ ने आपको हमेशा सर आँखों पर रखा, पर मुझे और मेरी बीवी के साथ बुरा सलूक किया। और अगर बंटवारा हो गया तो गलत ही क्या है, सबके घरों में होता है। आप अपनी जिंदगी में खुश रहो और हमें हमारी जिंदगी में खुश रहने दो। इतना सब बोलकर दोनों भाई अपने अपने हिस्से में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि हिमांशी माँ बनने वाली है और जैसे ही ये बात निर्मला और रमा को पता चलती है, वो दोनों खुशी से फूली नहीं समाती। और एक दिन हिमांशी हॉस्पिटल से जब घर आती है तो उसको देखते ही निर्मला दरवाजे पर उसे गले लगाकर कहती है, मैं और माँ जी बहुत खुश है, फाइनली तुम माँ बनने वाली हो, इस घर में एक छोटा मेहमान आने वाला है, दूर रहो मुझसे और मेरे होने वाले बच्चे से भी, तुम बांझ हो और मैं नहीं चाहती कि किसी भी बांझ की परछाई मेरे होने वाले बच्चे पर पड़े, समझे तुम। हिमांशी के ऐसे तीखे बोल सुनकर निर्मला की आँखें आंसुओं से भर जाती है। तभी वहाँ पर आशा का पति विपेंद्र आ जाता है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर होता है, और वो हिमांशी से बोलता है, वाह भाभी क्या बात कही है, बिल्कुल सही बोला है आज आपने, क्योंकि ये आपके नहीं आशा के शब्द हैं और आपके जरिए निर्मला भाभी को बोले जा रहे हैं। नंदोई जी आप बोलना क्या चाहते हैं, और आप तो बोलिए ही मत कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि आप इंसान ही गलत हैं। ये सब कुछ आशा सुन लेती है और हिमांशी को एक जोरदार थप्पड़ लगाकर
बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसा बोलने की? सही तो कह रही है, तुम्हारी ही भाषा बोल रही है। मैंने सोचा चलो जैसी हो तुम, आखिर हो तो हमारी घर की बहू ना, इसलिए लेने आया था मैं तुम्हें। पर पता चल गया, जो लड़की अपने भाइयों के बीच बंटवारा करवा सकती है वो मेरे घर का क्या करेगी। अब यहीं रहो इस घर में। हे भगवान, अरे मैं तो उस दिन को कोसती हूँ कि मैंने जिस दिन तुझे पैदा किया। अरे मुझे तो शर्म आती तुझे अपनी बेटी कहते हुए। काश कि मेरे सारे बच्चे मेरे बड़े बेटे की तरह होते। अरे तू तो वो नागिन निकली जिसने अपने ही घर को निगल लिया। आशा, एक औरत ही घर बना सकती है और तोड़ भी सकती है, पर तुमने तो अपने घर के साथ साथ अपने भाइयों का घर भी तोड़ दिया। अपने पति की बेइज्जती और ये सब देखकर आशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उन दोनों को वो सारी सच्चाई बता देती है। ये सब सुनकर हिमांशी उससे कहती है, ये सब आपने क्यों किया दीदी? मैंने हमेशा आपकी बात सुनी और आपने मेरे ही हाथों मेरा घर तोड़वा दिया। आशा हिमांशी को सारी सच्चाई बताती है कि वो कभी नहीं चाहती थी कि निर्मला के साथ वो बहनों की तरह व्यवहार करे। वो बस निर्मला को नीचा दिखाना चाहती थी, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। पर आज ये सब उसके पति के साथ होता हुआ देखकर उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। साथ ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि इतने सालों से निर्मला किस दुख की बात कह रही थी और वो क्या दुख सह रही थी, जिसके कारण आशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो इन सब के लिए अपने घर के सभी लोगों से माफी मांगती है। जिसके बाद विपेंद्र बोलता है, आशा को अपनी गलती का एहसास है, आप सब इसको माफ कर दीजिए आखिरी बार मेरे कहने पर। विपेंद्र के कहने पर घर के सभी सदस्य आशा को माफ कर देते हैं, तो वहीं आशा भी अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल लौट जाती है। और दूसरी तरफ हिमांशी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी एक दूसरे को गले लगाकर माफ कर देते हैं और इस तरह उनके घर में खिंची बंटवारे की दीवार हमेशा हमेशा के लिए टूट जाती है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये घर के बंटवारे की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी लड़की जो अपने ही मायके में अपनी ही भाभियों के बीच दीवार खड़ी करती हो? अगर हाँ तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।